अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें ये कहा है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जीरो के इक्वल हो। अब इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई भी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे ए है, वो मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1, 2, 4, 8। पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन दोनों डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर जीरो के इक्वल ना आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चलाएगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें यह कहा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स लिखा है ए इज इक्वल 1, 2, 4, 8। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1, 2, 4 एंड 8। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 ये डायगोनल एंट्री को प्रोडक्ट लेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो दूसरा डायगोनल है उसकी एंट्रीज को। 8 1s are 8, 4 2s are 8। अब 8 में से 8 माइनस किया 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 आ गया है। तो ये ए जो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ना है। अब ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1, 3, 2 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा, 1 और 4 के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे 3 और 2 का प्रोडक्ट। 4 1s are 4 minus 3 2s are 6। 6 में से 4 माइनस किए -2, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए मॉड जो हुआ नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है बस वो एक ही कंडीशन पे है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 ना आए, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।